ये दुर्गादास जी की पुण्य स्मृति में समारोह रखा गया है, क्या वीर दुर्गादास राठौड़ जो है आज मारवाड़ के लिए नहीं पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा राष्ट्र पुरुष है जिसको पूरी जो नई पीढ़ी है पूरे भयंकर रूप से आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उन जैसा उदाहरण आप अगर इतिहास में देखेंगे तो एक से बड़े एक योद्धा हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं। लेकिन जो दुर्गादास जी का जो एक चरित्र रहा है वो एक अनूठा चरित्र रहा है। जो स्वामी भक्ति, न्याय, त्याग, संघर्ष और बलिदान का उनका जो शौर्य रहा है, बड़े बड़े योद्धा रहे, उन्होंने उनको राजपाट के लिए अपना संघर्ष भी किया, लेकिन इन्होंने स्वामी भक्ति का जो उदाहरण दिया है, जो अपने राजा के पुत्र के लिए जसवंत सिंह जी के जो इन्होंने वर्ड कहा था कि ये मेरे मारवाड़ के सिंहासन की रक्षा करने वाला होगा, उस भविष्यवाणी को इन्होंने अपने पूरी जिंदगी के अंदर में उसको चरितार्थ किया था। आज उनका हम लोग अगर उदाहरण देखें तो एक से एक हुए हैं, लेकिन जो कूटनीति, रणनीति, शौर्य, योद्धा का जो वन मैन आर्मी, वो उदाहरण विरले ही मिलते हैं। आप उनका अगर रणनीति कौशल देखोगे तो जब महाराजा अजीत सिंह जी को दिल्ली से लेके जोधपुर वापस गए थे जब औरंगजेब के यहाँ से, तो उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो जो रणनीति, जो युद्ध कौशल था उसका उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने जिस रणनीति के साथ 1200 की संख्या के सिपाहियों को लेके, लाखों की संख्या में जो मुगल आक्रांता थे उनसे जो संघर्ष करके लेके गए थे, बीटिंग रिट्रीट एक तरीका होता है जिसमें कुछ टुकड़ियों को छोड़ा जाता है, बाकी उनको लेके आगे भागते रहते हैं। जिसका दूसरा उदाहरण अपने को कश्मीर के अंदर राजेंद्र सिंह जी जम्वाल के रूप में मिलता है, जो अगर आधुनिक इतिहास में हम लोग देखें कबायली आक्रमण के समय जिस तरह से, जिस कूटनीति के तहत उन्होंने कश्मीर की रक्षा की थी, वो मध्य दूसरे उदाहरण बहुत विरले ही मिलेंगे आपको। और अगर उनसे प्रेरणा लेते हैं आज की नई पीढ़ी को बहुत कुछ, अगर देश के लिए भी अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो दुर्गादास जी से बढ़ के कोई चरित्र नहीं मिलेगा।